नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme GT Neo 3T 5G versus Apple iPhone SE 2022 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो GT Neo 3T 5G में 6.41 इंच जबकि iPhone SE 2022 5G में 5.45 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि GT Neo 3T 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो GT Neo 3T 5G में 2.98 इंच जबकि iPhone SE 2022 5G में 2.65 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि GT Neo 3T 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो GT Neo 3T 5G में 0.34 इंच जबकि iPhone SE 2022 5G में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो GT Neo 3T 5G में 194.5 ग्राम जबकि iPhone SE 2022 5G में 144 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो GT Neo 3T 5G में AMOLED जबकि iPhone SE 2022 5G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो GT Neo 3T 5G में 20:9 जबकि iPhone SE 2022 5G में 16:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो GT Neo 3T 5G में 6.62 इंचेस जबकि iPhone SE 2022 5G में 4.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन GT Neo 3T 5G में 1080x2400 और iPhone SE 2022 5G में 750x1334 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो GT Neo 3T 5G में 85.69% जबकि iPhone SE 2022 5G में 65.23% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो GT Neo 3T 5G में 398 पिक्सेल प्रति इंच जबकि iPhone SE 2022 5G में 326 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो GT Neo 3T 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और iPhone SE 2022 5G की बात करें तो इसमें एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो GT Neo 3T 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और iPhone SE 2022 5G की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो GT Neo 3T 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और iPhone SE 2022 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो GT Neo 3T 5G में Adreno 650 जबकि iPhone SE 2022 5G में Apple GPU 4-Core Graphics मिलता है। चिपसेट की बात करें तो GT Neo 3T 5G में Qualcomm Snapdragon 870 और iPhone SE 2022 5G में Apple Bionic मिलता है। बात करें RAM की तो GT Neo 3T 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है जबकि iPhone SE 2022 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 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 RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो GT Neo 3T 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि iPhone SE 2022 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो
GT Neo 3T 5G में Android V12 जबकि iPhone SE 2022 5G में iOS V15 देखने को मिलती है। बैटरी GT Neo 3T 5G में 5000 mAh जबकि iPhone SE 2022 5G में 2018 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो GT Neo 3T 5G में 4 कलर्स जबकि iPhone SE 2022 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो GT Neo 3T 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹27,999, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹29,999 में मिल जाता है। वही अगर बात करें iPhone SE 2022 5G की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹45,900, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹48,900, 4GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹58,900 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme GT Neo 3T 5G में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Apple iPhone SE 2022 5G की तो उसमें 8 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में GT Neo 3T 5G आगे है, मेन कैमरा में GT Neo 3T 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में iPhone SE 2022 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Google Pixel 6 5G है, दूसरा Motorola Edge 30 Fusion 5G है, तीसरा Google Pixel 6a 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus Nord 2T 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।